हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम ई विद्यादी जॉर्ज एन। अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। जैसे कि आपको पता है, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स के लिए हम इंट्रोडक्शन वीडियोस बना रहे हैं हिंदी में मैथ्स के, ताकि आपको चैप्टर्स के जब आप एक्सरसाइजेस करो तो शायद आप उससे रिलेट कर सको और शायद आप भी उससे समझ सको। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, मैथ्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर आपको समझ आ रहा है कि सॉल्यूशन किस तरह से करना है, तो वो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, मैं हिंदी में कर रही हूँ। ऑल्सो इस चैप्टर की लास्ट में, इस इंट्रोडक्शन की लास्ट में मैंने एक प्रिपेयर किया है चार्ट, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो, जिसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स में एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में यूज करूंगी, उसका जो करेक्ट लिटरल हिंदी में मतलब है, वो मैं उस चार्ट में लिख दूंगी, ताकि जब आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी समझोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर टू, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। तो हम पहले बात करेंगे भिन्न की। भिन्न होता क्या है, आपने ये जरूर देखे होंगे, इस तरह से 7/4, 3/6, 1/2, 7/4, ये सारे भिन्न होते हैं। बेसिकली भिन्न होता क्या है, जब किसी पूरी चीज के कुछ हिस्से की बात करी जाती है तो हम बोलते हैं उसको भिन्न। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये पूरा है और मैं इसे आधा काट दू, तो अब यहाँ पे क्या बचा, आधा। तो ये जो आधा है, ये होता है हमारा भिन्न। इसी प्रकार इस पूरे को अगर मैं चार हिस्सों में बांट देती, 1, 2, 3, 4, चार बराबर हिस्सों में बांट के, तो एक हो जाता है 1/4, मतलब 1/4। ये क्या होता है, ये भी एक भिन्न है। इस तरह से हमारे पास अलग अलग भिन्न होते हैं। अब हम पढ़ेंगे भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है भिन्नों के प्रकार। अब ये जो भिन्न होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, उसके तीन प्रकार होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले देखो, जब हम कोई भी भिन्न लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ 4/7, जिसको हम इंग्लिश में 4/7 बोलते, तो जिसको आप बटे बोलते हो उसे हम अपॉन बोलते हैं इंग्लिश में। सो 4/7 है अगर, तो इसमें जो ये ऊपर वाली संख्या है, मतलब अपॉन के जो ऊपर वाली संख्या है, इसको हम बोलते हैं अंश। ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या है, ये होता है हर। ऊपर वाली संख्या अंश होता है, नीचे वाली संख्या हर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं भिन्न के प्रकारों पे। पहला हमारे पास है उचित भिन्न। अब उचित भिन्न कौन से होते हैं, वो भिन्न होते हैं जिसमें जो आपका अंश है, मतलब कि जो बटे के ऊपर वाली संख्या है, वो छोटा होता है हर से, मतलब कि नीचे वाली संख्या से। जैसे कि अगर मैं लिखती हूं 3/6, तो 3/6 यहाँ पे 3/6 से छोटा है, मतलब ये एक उचित भिन्न है। इसी प्रकार अगर मैं लिखती हूँ 5/9, तो ये भी एक उचित भिन्न होगा, बिकॉज यहाँ पे अंश हर से छोटा है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे भिन्न पे। दूसरा भिन्न हमारा होता है विषम भिन्न। अब विषम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न होता है इसका उल्टा। इसमें जो आपका अंश होता है, वो बड़ा होता है हर से। जैसे कि अगर इन्हीं को ही हम उल्टा कर दे, अगर मैं लिख दू 6/3, तो यहाँ पे अंश हर से बड़ा है, मतलब ये एक विषम भिन्न है। इसी प्रकार अगर हम लिखे 9/5 या फिर 11/2, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, विषम भिन्न, क्योंकि इसमें अंश हर से बड़ा है। ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं अपने तीसरे भिन्न पे, जो होता है हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न के अंदर आपके पास एक पूरी संख्या होती है और एक भिन्न होता है। कैसे, देखो अगर मैं लिख रही हूँ 3/5, सो ये यहाँ पे 3 जो है ये एक पूरी संख्या है, और 2/5 जो है ये एक भिन्न है। तो अगर
किसी में आपके पास दोनों है, पूरी संख्या भी और साथ में भिन्न भी, तो वो हमारा मिश्रित भिन्न होता है। इसके इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, थ्री, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आप थ्री ही आगे लो, दो पांच बटे नौ, सो ये भी एक मिश्रित भिन्न है। अब बात करते हैं अगर आपके पास मिश्रित भिन्न दे रखा है उसको आप कैसे बदलोगे विषम भिन्न में या उचित भिन्न में, ठीक है, वो हमारा अगला टॉपिक है, लेट्स सी। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास मिश्रित भिन्न है तो आप उसको कैसे बदलते हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण में हम ले लेते हैं, अगर आपके पास है तीन एक बटे दो, तो यहाँ पे ये आपके पास मिश्रित भिन्न है, इसको आपको बदलना है। तो देखो दो चीजें करनी होंगी, सबसे पहला यहाँ पे जो टू है इसको आप गुना करोगे तीन से, मतलब दो को गुना करना है तीन से, दो को तीन से गुना करोगे तो क्या आएगा, छः, ठीक है, टू थ्री जा सिक्स होता है। अब जो आपके पास आया है उसमें ऊपर वाले को जमा कर दोगे, मतलब ऊपर एक है तो ये हो जाएगा छः जमा एक जो कि आएगा सात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो सात मिला है ये अंश है, ये हमारा पूरा भिन्न तो नहीं है, ये अंश है, नीचे हर क्या आएगा, यहाँ पे जो है दो है नीचे तो यहाँ पे भी दो हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास है तीन एक बटे दो तो उसको जब आप बदलोगे तो वो आएगा सात बटे दो, ठीक है, समझ में आ गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, अगर आपके पास है चार तीन बटे सात, ठीक है, इसको आपको बदलना है तो सबसे पहले क्या करोगे, सात को गुना करोगे चार से, सात को चार से गुना करना है, सात को चार से गुना करेंगे तो आएगा 28। अब 28 में तीन जमा करना है, क्या आ जाएगा 28, 29, 30, 31, तो अंश आ गया 31 और हर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे सात है तो इधर भी नीचे सात आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आपको इसका उल्टा करना है, मतलब आपके पास विषम भिन्न गिवन है और आपको उसे मिश्रित भिन्न में बदलना है तो क्या करोगे, अगर हम ले लेते हैं 9/5, अब 9/5 को आपको इस तरह से लिखना है, मतलब मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप भाग करोगे, पांच को नौ से भाग कर दो, क्या आएगा पांच पांच, ऐसे हो जाएगा, बचेगा हमारे पास नौ में से पांच गया चार, बस यही तक करना है। अब इसको आपको इस तरह से लिखना है, तो सबसे पहले तो नीचे क्या है पांच, तो वो नीचे पांच ही रहेगा, यहाँ पे भाग करने पे जो सबसे नीचे आया है ये आपका बन जाएगा अंश, मतलब कि ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे जो उत्तर आया है भाग करने पे वो आ जाएगा आगे, ठीक है। तो ये हो गया 1/4/5, ठीक है, अब समझ में आ गया। इसमें हमने देखा कि अगर आपके पास मिश्रित भिन्न है तो उसको आप कैसे बदलोगे विषम भिन्न में, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप क्या होता है, बहुत बार आपके पास प्रश्न में ऐसा आएगा कि आपके पास भिन्न दिए गए होंगे और आपको उनको न्यूनतम रूप में करना है। न्यूनतम रूप होता है, अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, वो होता है लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा या कम फॉर्म तक लाना भिन्न को। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ, पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने लिया 6/4, अब यहाँ पे 6/4 एक भिन्न है ये हमें पता है, अब इसको आपको इसके न्यूनतम रूप में लाना है। न्यूनतम रूप में आप कैसे लेके आओगे, आप यहाँ पे देखोगे जो अंश और हर है क्या वो किसी टेबल में आता है, जैसे कि 6 और 4 दोनों ही दो के टेबल में आते हैं, सही है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है, मतलब 2 into 3 6 होता है। इसी तरह से 2 into 2
फोर होता है। तो हमने ये दोनों काट के छह की जगह तीन लिख दिया, चार की जगह दो लिख दिया, तो हमारे पास आ गया तीन बटे दो। इसका मतलब है छह बटे चार का न्यूनतम रूप आपके पास तीन बटे दो होगा। अब तीन और दो, तीन अंश है दो हर है, क्या ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं? अब ये आगे किसी के टेबल में नहीं आते, मतलब इसे आप और काट नहीं सकते। इसी तरह से एक और लेते हैं हम, अठारह बटे बारह। अब अठारह और बारह दोनों किसी के टेबल में आते हैं? दो के टेबल में आते हैं। दो को नौ से गुणा करो तो अठारह आता है, दो को छह से गुणा करो तो बारह आता है, तो हमारे पास आ गया नौ बटे छह। क्या अठारह बटे बारह का जो न्यूनतम रूप है वो नौ बटे छह हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि नौ बटे छह अभी और आगे हम काट सकते हैं, क्योंकि नौ और छह दोनों ही तीन के टेबल में आते हैं। तो तीन को तीन से गुणा करोगे तो नौ आएगा, दो से गुणा करोगे तो छह आएगा, तो हमारे पास आ गया तीन बटे दो। अब तीन बटे दो को आप आगे कट नहीं कर सकते, इनको और हम नहीं काट सकते, क्योंकि तीन और दो दोनों ही किसी के टेबल में आए, ऐसा नहीं होता। तो हमारा न्यूनतम रूप आ गया तीन बटे दो। अब अगर इन दोनों उदाहरणों को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूनतम रूप हमेशा तीन बटे दो आता है, तो ऐसा नहीं होता। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब ले लेते हैं सौ बटे पच्चीस। अब सौ और पच्चीस दोनों किसी के पहाड़े में आते हैं, किसी के टेबल में आते हैं? पांच के टेबल में। आप सोचोगे सौ पांच के टेबल में कैसे आते हैं, देखते हैं। हमें देखो जीरो से पता चल गया कि पांच के टेबल में आ होता है। कैसे? दस अगर हम देखें तो पांच के टेबल में दस आता है, कब आता है? दो पे। पांच को दो से गुणा करो दस आएगा, साथ में जीरो लगा दो तो मतलब सौ कट के हो जाएगा बीस। अब ऊपर वाले को पांच से काटे, नीचे वाले को भी काटो, पांच के टेबल में पच्चीस आता है पांच पे, पांच को पांच से गुणा करोगे तो पच्चीस आता है। आपके पास आ गया बीस और पांच। क्या ये इसका न्यूनतम रूप होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बीस और पांच अभी और भी आगे काट सकते हैं हम। पांच और बीस फिर से दोनों पांच के पहाड़े में आते, तो ये हो गया चार और ये हो गया एक, तो आपके पास आ गया चार बटे एक। ठीक है, ये चार बटे एक आपके पास भिन्न आ गया, ये है इसका न्यूनतम रूप। ठीक है, इसको हम खाली चार भी लिख सकते हैं, बिकॉज बटे में एक है। समझ में आ गया, ये था हमारा न्यूनतम रूप। अगर आप जमा कर रहे हो, घटा कर रहे हो भिन्नों को, तो हमेशा जो भी आपका उत्तर आएगा उसको हमेशा हम न्यूनतम रूप में ही छोड़ेंगे। जैसे कि आपने जमा किया दो भिन्नों को और आपके पास उत्तर छह बटे चार आ गया, तो आप उत्तर इसको काट के तीन बटा दो लिखोगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है भिन्नों को जमा करना। अब अगर आपके पास भिन्न दिए गए हैं और उनको आपको जमा करना है, तो किस तरह से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, छह बटे चार को जमा करना है दो बटे चार से। अब देखो यहाँ पे जो दो भिन्न है, छह बटे चार और दो बटे चार, इसमें आप देखोगे कि इन दोनों भिन्नों के हर सेम है, मतलब यहाँ पे भी हर चार है, यहाँ पे भी हर चार है। ऐसे भिन्न जिनके हर एक जैसे होते हैं उनको हम बोलते हैं समान भिन्न, मतलब ये दोनों समान भिन्न है क्योंकि इनके हर सेम है। तो अब क्या करते हैं हम, इनको जमा करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे चार है, यहाँ पे चार है, इधर लिख दो चार और ऊपर छह और दो को जमा कर देंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास आ गया छह जमा दो आठ बटे चार। ठीक है, ये तो होता है अगर आपके पास समान भिन्न है, मतलब कि जिनके हर बराबर है। अगर आपके पास, अब मैं एक और उदाहरण ले रही हूं, अगर होता छह बटे पांच जमा दो बटे तीन। अब यहाँ पे ये हमारे पास असमान भिन्न है, मतलब इनके हर बराबर नहीं है। एक का हर पांच है, एक का हर तीन है, मतलब ये असमान भिन्न है। अब इसमें आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पांच और तीन है इसको
सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, पांच और तीन का अगर हम एलसीएम लेंगे, मुझे पता है एलसीएम आप सबको आता होगा, सो ये आएगा तीन से करेंगे ये हो गया पांच, ये हो गया एक, फिर पांच से करेंगे तो ये हो गया एक और एक, तीन बटे पांच हमारे पास आएगा पंद्रह, तो हमारे पास इसका एलसीएम आया है पंद्रह। अब आपको क्या करना है, ये जो छह बटे पांच है इसमें पांच को पंद्रह बनाना है और दो बटे तीन में तीन को पंद्रह बनाना है। कैसे पंद्रह बनाएंगे एक एक करके देखते हैं। पहले छह बटे पांच लिया हमने, पांच को पंद्रह बनाने के लिए आपको इसे गुणा करना पड़ेगा तीन से, सही है ये, पांच को तीन से गुणा करोगे तो पंद्रह आएगा। अब अगर आप हर को तीन से गुणा कर रहे हो तो आपको अर्श को भी तीन से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा छह बटे तीन, अठारह बटे पांच गुना तीन करेंगे तो ये आ जाएगा पंद्रह, मतलब कि जो आपके पास छह बटे पांच था वो अब अठारह बटे पंद्रह बन गया है। अब आते हैं दो बटे तीन पे, सो दो बटा तीन है, तीन को पंद्रह बनाने, तीन को पंद्रह बनाने के लिए हमें इसे गुणा करना पड़ेगा पांच से, हर को अगर पांच से गुणा कर रहे हो तो दो को भी पांच से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दो गुणा पांच दस बटे तीन गुना पांच पंद्रह, तो आपके पास आ गया दस बटे पंद्रह, मतलब कि दो बटे तीन अब बन गया दस बटे पंद्रह। अब अगर हम इसको लिखें तो छह बटे पांच हमारे पास है अठारह बटे पंद्रह जमा दो बटे तीन हमारे पास हो गया दस बटे पंद्रह, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन से भिन्न आ गए, समान भिन्न, क्योंकि इनका हर दोनों का सेम है। अब इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, उसको हम यहाँ आगे कर रहे हैं, नीचे हम ले लेंगे पंद्रह, ऊपर हमारे पास है अठारह जमा दस, अठारह में दस जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा अठारह बटे पंद्रह, तो ये हो गया अट्ठाईस बटे पंद्रह, ये होगा हमारा आंसर। अगर आपके पास असमान भिन्न है तो आप पहले हर का एलसीएम लोगे और उनको सेम करोगे और फिर ऐसे जमा करोगे, ठीक है, समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर आपको एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से जमा करना है, जैसे कि अगर आपके पास है छह जमा दो बटे सात, अब यहाँ पे दो बटे सात हमारे पास एक भिन्न है और छह हमारे पास एक पूर्ण संख्या है, तो इसको हम भिन्न बना देंगे अपॉन वन करके, मतलब इसको बना देंगे छह बटा एक। अब देखो इसको जमा करना है तो एक हमारे पास हर एक है और एक हर हमारे पास सात है, अब ये एक और सात को हमें फिर से समान बनाना पड़ेगा, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक है, एक को अगर मैं सात से गुना करूंगी तो वो सात हो जाएगा, मतलब इस वाले को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है छह बटे एक, एक को मैंने सात से गुना किया, हर को सात से गुना किए तो अंश को भी सात से गुना करना पड़ेगा, सिक्स इंटू सेवन फोर्टी टू अपॉन वन इंटू सेवन सेवन, तो ये हो गया फोर्टी टू अपॉन सेवन और साथ में जमा कर दो, अब यहाँ पे नीचे सात ही है तो दो बटे सात को तो बदलना ही नहीं पड़ेगा, ये हो गया दो बटे सात। अब इसको जमा करेंगे तो यहाँ पे नीचे सात आ गया, फोर्टी टू में आपको दो जमा करना है, ये हो जाएगा फोर्टी फोर, तो आपके पास आ गया फोर्टी फोर बटे सात, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक आखिरी चीज जमा में जो रहती है वो है अगर आपके पास मिश्रित भिन्न है तो उसको किस प्रकार करोगे, एक उदाहरण ले लेते हैं उसके लिए भी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया दो दो बटे तीन जमा तीन एक बटे तीन, अब यहाँ पे ये मेरे पास मिश्रित भिन्न है तो पहले मुझे इन्हें विषम भिन्न में करना पड़ेगा, सो तीन को दो से गुणा करो, थ्री टू सा सिक्स प्लस टू आठ हो जाएगा, ये हो गया आठ बटे तीन, जमा करना है थ्री थ्री सा नाइन, नौ में एक जमा करो दस बटे तीन, अब ये दोनों हमारे पास समान भिन्न है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और आठ जमा दस कर देंगे, ये हो गया अठारह बटे तीन हमारा उत्तर, ठीक है। तो हमने देखा कि हम भिन्नों को किस प्रकार से जमा करते हैं। अब आपको ये देखना है कि जैसे आप जमा करते हो उसी तरह से हम
घटा करते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो जो आप 8 और 10 को जमा कर रहे हो उन्हें आप घटाओगे। हर तरह से ऐसे ही होगा, चाहे वो पूर्ण संख्या से आप कर रहे हो, चाहे वो समान भिन्न हो, चाहे वो असमान भिन्न हो, इसी प्रकार से रहेगा। बस जहां पे आप जमा कर रहे हो वहां पे घटा कर दोगे। तो जमा करना और घटा करना भिन्नों में एक समान होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे।